और आपका भी घर में कोई काम कार्य सिद्ध होया कि? हाँ होया जी, खूब हो जो मांगो वो पूरा हो जाए, जल्दी आना पड़े जी। जी बिल्कुल सही बात है। और 50% हो गया, 50% आराम हो गया, दर्द में आराम है? दर्द में तो दर्द है ही नहीं, दर्द तो बिल्कुल खत्म, दर्द तो खत्म हो गया, खत्म। तो अब दर्द बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। किसी प्रकार का यहाँ पे कोई ये तो नहीं ले भाई, यहाँ पे फीस लगी हो, कोई टोकन लगा हो ऐसा? नहीं जी कोई फीस नहीं है यहाँ पे, कोई रिश्वत नहीं है, अपनी मर्जी से झाड़े लगाते हैं। किसी प्रकार का पाखंड लगा हो? ना जी कोई पाखंड नहीं है जी यहाँ पर, भगवान। मैं पहले फेरी लगाई भी शनि महाराज भी, मैं तो बेटी के लिए अगला शनिवार नहीं उसकी जो पेपर आ गया, शनिवार की ड्यूटी ज्वाइन होगी, सारे काम शनिवार की ही हुए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लंबा स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल लोक प्रसार में। फिलहाल खड़ा हूं शनि शक्ति धाम में। शनि शक्ति धाम में एक बार फिर से पहुंचे हैं क्योंकि शनि शक्ति धाम में जो है लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक दूर होती हैं। यहां पर आने वाले लोगों की जो समस्याएँ हैं शनि महाराज स्वयं यहाँ पर दूर कर देते हैं, क्योंकि महंत जी का कहना है कि शनिदेव साक्षात यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर आके जो कोई भी अर्जे लगाता है या फिर कोई झाड़ा लगवाता है या किसी भी प्रकार के मनोरथ लेके आता है तो उसकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो जाता है और उसके मनोरथ अवश्य ही पूरे होते हैं, ऐसा यहाँ पर आने वाले लोगों का मानना है और महंत जी भी स्वयं ये कहते हैं। यहाँ पे फिलहाल जो आज शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन लगता है यहाँ पे स्पेशल झाड़ा, मंगलवार वीरवार और रविवार को यहाँ पे जो है दरबार लगता है, उस दिन की जाती है यहाँ पे पूछा। तो आज का दिन है, झाड़ा लगवाने के वाले जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे उनसे बातचीत करवाएंगे, बातचीत करवा के आपको थोड़ा सा ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पे आके लोगों के संकट दूर होते हैं, जो लोग बताते हैं क्या वो बातें सही हैं, महंत जी को जो कहते हैं, और ये क्या इस शनि शक्ति धाम पर साक्षात शनि धाम में शनिदेव विराजमान हैं या किसी प्रकार की यहाँ पर कोई शक्ति या कोई चमत्कार है जो कार्य करती है और लोगों की समस्याओं का निदान होता है। तो हमारे साथ में यहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हो सामने कि झाड़ा लगाना शुरू कर रखा है महंत जी ने और अभी लोगों ने आना शुरू किया है। फिलहाल जितने बैठे हैं उनसे बातचीत करवाने की कोशिश करता हूं, तो इनसे कहूंगा आए। राम राम जी भाई साहब। कहां से आए हैं? मैं जींद से हूं जी, रविंदर। जींद से? हां जी रविंदर कुमार। हां जी हां जी। कितनी बार आ चुके पहले? कई दफ़ा आ लिया और वो 6 महीने करीब हो गए थे, अब फिर आया हूँ। ये समस्या लेके आए थे और कि मैं समाधान होया कि नहीं? होया था, आराम लग गया था, सारी कष्ट है वो मतलब दूर। खुद के थी? हाँ जी खुद के थी तकलीफ। क्या समस्या? मतलब शरीर में दर्द रहा करता, भड़क सी, आँखों में जलन वगैरह समस्या थी और आराम लग गया था मेरे को पूरा पूरा आराम। हाँ जी। तो अब दोबारा से? दोबारा से हो गया जी, कोई फिदर हो गया मेरा, आए मैं आज लगानी मतलब आए नहीं थे, आए नहीं थे, छोड़ दिया। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी का जो सुरक्षा चक्कर होता है उसमें क्या होता है कि हम जितने बाहर आते हैं उतनी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। जब हम किसी चीज़ को, जैसे हम खाना है, हम खाते रहते हैं तो हमें भूख नहीं लगती और हम खाना नहीं खाएंगे तो कमज़ोर होते जाएंगे, ऐसे हमारा ओरा, ऐसे हमारा सुरक्षा चक्र होता है, कमज़ोर हो जाता है। तो किसी परमात्मा के दरबार में जाने से वो जो है ओरा प्रॉपर बना रहता है। यहाँ पे कोई चमत्कार है? हाँ जी, सीधा हमें शक्ति है कोई जो मतलब लोगों के काम करती है अच्छी तरह है। हाँ मानते इस बात को। और किसी प्रकार का खर्चा कोई दिला पाई मतलब कुछ? कोई फंड वगैरह कुछ नहीं है, मतलब कोई मतलब मर्जी से जो कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, शक्ति है यहाँ पे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। जी धन्यवाद आपका भाई साहब। और भाई साहब बैठे थे, और भाई साहब बैठे इनसे बात करवाएं। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। कहाँ से आए हो? मैं अबोहर पंजाब से। अबोहर पंजाब से? कितनी बार आ ली पहले? मैं पहले पिछले शनिवार को आया था, फिर 7 तारीख को आया था यहाँ पे पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा को आपने अर्जी लगवाई है? हाँ जी 7 तारीख को लगवाई थी मैंने। क्या मानते हो उस दाम पे, कोई क्या समस्या लेके आए थे आप? मेरे मुँह में कैंसर। मुँह में कैंसर? कितने साल से है ये? पहले मैंने ऑपरेशन करवाया था, अब दोबारा से हो गया। दोबारा से हो गया? हाँ। तो यहाँ पे आप 3 बार आ चुके पहले? अरे ये तीसरी बार आया हूँ, दो शनिवार। थोड़ा बहुत आपको महसूस होता है कुछ ठीक हुए या नहीं? यहाँ पे महसूस हो रहा है। ऊर्जा मिल रही है, 50% हो रहा है। 50% आराम हो गया, दर्द में आराम है? दर्द में तो दर्द है ही नहीं, दर्द तो बिल्कुल खत्म, दर्द तो खत्म हो गया, खत्म। सिर्फ यहाँ आपने झाड़ा लगवाया और अर्जी लगवाई? हाँ जी अर्जी लगवाई। क्या कहा मंत्री जी ने? मंत्री जी ने मुझे कहा झाड़ा लगवा लो, 3 पूरे करवा लो, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो मानते हो उन चीज़ों की कैंसर जैसी जो बीमारी है? हाँ, वो भी यहाँ पे आके ठीक हो जाती है? हाँ जी मानते हैं। तसल्ली आपको विश्वास? हाँ जी हाँ जी विश्वास है। तसल्ली विश्वास तो क्या कहें कि 3 बार आने से 50% आराम तो खुद बता रहे हैं। हाँ इतनी दूर तभी तो आराम, रात पूरी रात शहर में चल कर। अच्छा। फिर आगे बस स्टैंड में बस लीख कर बस में बैठ कर यहाँ कोई तो है ऊर्जा शक्ति मिल। आप यहाँ मानते हो कोई चमत्कार कोई शक्ति ऐसी है? हाँ है। अच्छा महसूस होता है? हाँ अच्छा महसूस होता है।
किसी प्रकार की कोई फीस, किसी प्रकार का कोई पाखंड बताया हो? कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री कॉस्ट है, बिल्कुल सत्य है, सनातन धर्म के हिसाब से चल रहा है दाम। हाँ, सनातन धर्म के हिसाब से चल रहा है ये, तभी भी फ्री मिला था मेरे को, फ्री तभी। हाँ, सब कुछ फ्री मिला, कोई पैसा नहीं, कोई लंगर पानी भी फ्री है सब। तो जनता देख रही है आपको पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, भारत से बाहर भी हमारा चैनल देखते हैं, क्या कहना चाहोगे? जो लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं, घूम फिर के थक जो जाते हैं, आओ मत्था देखो, आपकी मनोकामना पूरी करो, अरदास लगाओ, आपके ज्यादा लगेगा, आपकी सब मनोकामना यहाँ शनिदेव जी कष्ट पूरी कर देंगे जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार रिवानी है जी। अनिल कुमार जी हैं और अबोहर पंजाब से यहाँ पे आए हैं और इनको जो है कुछ खुद ही बता रहे कि कैंसर की बीमारी है और 50% आराम आपके सामने ही है भाई। हम किसी प्रकार की लीपापोती के विश्वास नहीं रखते, हम वही बात आपको दिखाते हैं जो जनता कहती है। अगर लोगों को आराम हुआ है, वाकई में किसी को आराम होता है तो वो आराम ही बताएगा और वही चीज़ हम आपके सामने परोसते हैं। और बैठे हैं, राम राम जीताऊ जी। राम राम। कहाँ से आए हो? भादरा से। भादरा से कितनी बार आ चुके पहले? दूसरा आया। दूसरा आए, किस समस्या लेके आए हो? समस्या तो घर में हुआ है, जो समस्या से करीब घर की समस्या कले कले इससे संबंधित है या हरी बीमारी से? हाँ, एक बार पहले झाड़ा लगवाया आपने? हाँ, मैं लगवाई, लड़की को ले गया। आपकी लड़की आई थी तो कुछ है, कुछ थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है? अभी तीन दिन चार दिन पहले आया था। तीन चार दिन लगातार जल्दी जल्दी आ गए तो मानते हो? किसने बताया इस दाम के बारे में? जनता बहुत बताया है। बहुत बताओ, आराम हुआ है कि नहीं लोग आके? हाँ, सुने आराम सुने दे जाए। तो किसी प्रकार का पाखंड आपको लगा हो यहाँ पे, किसी प्रकार का टोने टोटके से संबंधित कोई काम लगे हो? सामने नहीं आता पाखंड, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सीधा सीधा साफ। राम राम जी भाई साहब, कहाँ से आए हो? थोड़ा जी, बीड़ जंडूर से। बीड़ जंडूर से? हाँ जी। कितनी बार आ चुके पहले आप? मैं कई बार आ चुका हूँ। कई बार आ चुके? हाँ जी। की समस्या लेके आए थे? ये बस स्वास्थ्य की समस्या, घर में, घर परिवार में सुख शांति रहे। आपको स्वास्थ्य की समस्या? नहीं, पापा। घर वालों को? हाँ, पापा को। क्या समस्या थी? उनको मतलब ये ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज? हाँ जी। तो कितने दिन पहले हुआ था और यहाँ पे कितने दिन पहले? अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो मैं पहले भी कई बार आता रहा हूँ और अभी भी मतलब आ ही रहा हूँ, पहले भी आया हूँ। तो मतलब क्यों आते रहते हो मतलब यहाँ पे, क्या खास बात इस दाम पे? शनि महाराज की कृपा रही, उसी को लेकर झाड़ा लगवाने आते हैं। हाँ, ज़रूर है सर। आप पे कोई कृपा विशेष हुई? अभी तक तो मैंने नौकरी के लिए किया था, अब तक वो तो कुछ हुआ नहीं है, बट अभी पापा के लिए आ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, घर में सुख शांति। हाँ, बरकत नुका अगर ठीक ठाक काम धंधा चली जाए, आराम तक सुख शांति हो जाए घर में, तो इससे बड़ी। हाँ, वो सब ठीक, बिल्कुल सही। हाँ, तो पापा जी को कितना आराम? अभी है उनको आराम, पहले से तो है कुछ। लगभग कितना परसेंट अब? कुछ तो है, कुछ है पहले से, मतलब पहले ज़्यादा थे भी, अभी कुछ है ठीक। हाँ जी। राम राम। राम राम। क्या, कहाँ से आए हैं आप? मेरा गाँव नलवा है। नलवा जिला हिसार। कितनी बार आ चुके पहले? तीसर का आए। तीसर का? क्या समस्या लेके आए थे? समस्या में हुआ, थोड़ी गड़बड़ी सी थी, उसका झाड़ा लगवाना है शरीर में। हाँ, आपके खुद का? हाँ। तो क्यों लगे है आराम? हाँ, आराम है जी, दे आए। कितना का आराम? पूरा आराम है, पूरा आराम। हाँ, लगभग ठीक ही हो गए? हाँ, ठीक है, ठीक बात। तो आपकी भावना जुड़ी हुई है? हाँ जी, काम बनती है लोगों? हाँ जी, बनते है खूब, खूब अच्छा। हाँ जी, सिंपल दाम है। हाँ, सिंपल दाम है, बढ़िया दाम। इतनी दाम पे ऐसा आज तक हमको ऐसा मिला नहीं है, पाखंड नहीं है इधर, सही है। किसी पे कोई दबाव नहीं है, किसी प्रकार की फीस नहीं है, किसी प्रकार की टोकन नहीं है, किसी प्रकार का यहाँ पे चढ़ावा नहीं है। आपकी मर्जी से आप आओ यहाँ पे, अपनी अर्जी आप स्वयं लगाओ, जो भी प्रसाद रूप में यहाँ पे दिया जाता है, और महंत जी से झाड़ा लगवाओ, आपकी समस्याओं का समाधान निश्चिंदेह हो जाता है। हो जाता है ना? हाँ जी, हो जाता। लोगों को कह दूँ? हाँ, कह दूँ, कह दो जी, सबका फायदा होगा, कोई भी झाड़ा लगवाना आएगा उसका फायदा होता है जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राम राम। तो लोक प्रसार हरियाणा जी। राम राम। तो राम राम। कहाँ से? डोबी से जी। डोबी गाँव। डोबी? डोबी से कई बार आ लिए? मैं तो शुरू में मिंदर मणि अयोध्या गई आऊँ। जब से आओ? हाँ, अपनी खुशी से आ जाओ। खुशी से। तो काम कुम कोई मनोकामना पूरी हुई हो? बस आपका इच्छा है, मतलब अच्छी तरह शक्ति आ जाए। शक्ति है वहाँ, मतलब दर्शन करने के लिए। हाँ, शक्ति है तो तभी लोग आते हैं, तभी लोग जुड़ते हैं। और की और शक्ति है तभी लोगों के काम बनते हैं। लोगों की असाध्य बीमारियाँ भी ठीक हुई यहाँ पे आपके सामने बहुत हुई। मतलब महाराज जी बैठे है, ये बहुत बड़ी है, अच्छे आदमी है। हाँ, इनके कोई नखरे नहीं है,
सरकार का लोभ लालच नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये बड़ी चमत्कार है यहाँ पे। नमस्कार, होता है खूब बड़े बड़े चमत्कार हमने देखे, आपने भी देखे होंगे। देखिए जी, जी नाम क्या आपका अंकल? रण सिंह जी, डोबी गांव से, और इनके सामने काफी चमत्कार हुए हैं। और आपका भी घर में कोई काम कार्य सिद्ध होया कि? होया जी, खूब खूब हुए, जो मांगो वो पूरा हो जाए, जल्दी आना पड़े जी। जी बिल्कुल सही बात है, और आना भी चाहिए, जहाँ पे काम बनते हैं तो वहाँ पे आओगे तो भाई परमात्मा के साथ सीधा आत्मा का जुड़ाव होता है, और आत्मा सो परमात्मा ये कहते हैं, हम उसी परमात्मा की संतान हैं, उसी की ऊर्जा काम करती है, उसी का आशीर्वाद काम करता है। आपको भी लगता है कि किसी परमात्मा के दरबार में जाके हमारे काम सिद्ध हो सकते हैं तो आप शनि शक्ति धाम पर आ सकते हैं, ऐसे धाम बहुत हैं। और माता बहन और बैठी दो चार, उनसे बात करवा देता हूँ भाई। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हैं? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से आप कितनी बार आ चुके पहले? तीन चार बार। क्या समस्या लेके आए थे? गुड़िया को लेके आए थे। आपकी गुड़िया? हाँ जी। क्या समस्या थी? उसको कुछ ऊपरी पढ़ाई की समस्या थी। हाँ जी। इस प्रकार की तो यहाँ पे आपने झाड़े लगवाए, तीन लगवा लिए? एक ही लगवाया था गुड़िया। एक ही झाड़ा लगवाया? तीन चार बार ली झाड़ा, एक लगवाया गुड़िया, एक बार आई हमारे। अच्छा, गुड़िया एक, गुड़िया एक में। इसके बाद में आप आ जाते हो? हाँ, ओके हो गए थे। नहीं, वो भी आई है बीच में, एक झाड़े में ओके हो गई। हाँ, ओके हो गई थी वो, सिर्फ एक ही झाड़े में ओके हो गई। हाँ। दो झाड़े और दो पूर्णिमा की जोर जी, उसका नियम बताते हैं मैं जी, लेकिन आपके मतलब भाग्य अच्छे या फिर ये क्योंकि शक्ति कोई चमत्कार है? एक बार ही आई थी बाबा के पास, फिर हम दोबारा आए थे 20-22 दिन के बाद गुड़िया को लेकर, उसके बीच में आई थी जो पड़ती है पीजे में। हाँ, वही गुड़िया। हाँ, जो एक बार हमें मिली भी थी भाई यहाँ पे आई थी, उनको समस्या थी, वाकई में कह रही थी कुछ ठीक हो गया तो बिल्कुल अब तक ठीक है, बिल्कुल कर ओके है वो। किस प्रकार की समस्या? हाँ, पिछले शनिवार को आके गई है बाबा के पास। आप क्या काम करते हैं? मैं हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल में। आपसे बातचीत हमारी हुई थी और वेरीफाई कर रहे हैं अब तक कि अब तक उनकी गुड़िया बिल्कुल सही है, एक ही झाड़े में इनको आराम हो गया था। हमने हमारी पहली वीडियो है उसमें भी वे आए थे, और हम बार बार ये दिखाते कि शनि शक्ति धाम पे वाकई में कोई चमत्कार है, कोई शक्ति है, और यहाँ पे आने वाले लोगों की जो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। मानते हैं? हाँ मानते हैं। आपसे किसी प्रकार की फीस या किसी प्रकार का चढ़ावा कोई डिमांड करी हुई? ना, कोई डिमांड नहीं, कुछ भी नहीं। अपने श्रद्धा से कोई कुछ हो करो। आपको कोई पाखंड लगाओ, आपको लगाओ कि इस दाम पे नहीं ये चीज़ गलत हो रही है। गुड़िया 2-3 महीनों से बीमार थे, हमने काफी हॉस्पिटलों में दिखाया, फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया था मेरे को, तो हम यहाँ आए थे बाबा जी के पास, तो बाबा ने झाड़ा लगाया और कुछ बाबा ने अपना वो दिया था, गुड़िया ओके हो गई थी। वैसे तो बाबा के दर्शन के लिए आती है वो, मानते हो शनिदेव साक्षात विराजमान है और उनकी शक्तियाँ काम करती हैं? करती हैं, बिल्कुल करते हैं, जो सच्चे मन से आता है। उसका नाम और बता दीजिए? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी रेवाड़ी से हैं, और इनको इनकी लड़कियों को तकलीफ थी, घर के अंदर कोई समस्या थी, नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी तो ये कहते हैं कि इस धाम पे आने से बिल्कुल खत्म हो जाती है, इस धाम के अंदर जैसे ही आप एंट्री करते हो आपको खुद महसूस हो जाता है कि वाकई में कोई सुकून है, कोई शांति है, बिल्कुल ऐसा ही ना जी? हाँ बिल्कुल है। घूम जाओ जी थोड़ी सी आप इधर थोड़े। राम राम जी। राम राम। क्या नाम आपका? धर्मो। धर्मो कहाँ से आए हो? बगड़ा। बगड़ा से। कितनी बार आ ली पहले? मत कई बार आ ली पहले। आते जाते रहो। आंदे जांदे रहा। तो अरे शनिदेव साक्षात विराजमान है, उनकी शक्ति काम करती है, मानो इस चीज ने। हाँ, तेल चढ़ाना ही मतलब। चमत्कार हो, क्या चढ़ाना है हो? तेल। तेल चढ़ाना है हो। शनिवार। तो अरे कोई चमत्कार हुए है? हाँ। लोगों के काम बने हैं? बने लग रही है दबान दब। तारा भी बने है कोई कादा? मारे तो बने रही है। बताओ एक आधा। मार तो पोता हो गई है, आमंदनी पोता भाग गया। पोता मांगे तरह पोता मिल गया। इस तो बड़ी बात की भाई, जो कुल परंपरा जो वंश बेल आगे बढ़ जाए, इस तो बड़ी खुशी की बात तो होंगी को नहीं। ब्याह शादी सारे ताम झाम इसलिए होते हैं कि भाई संतान पैदा, और संतान पैदा हो गया अच्छी संतान पैदा, और जो हमारा नाम रोशन करे। यही बात है, सही कहने ला रही है, सही हूँ मैं तो। सही है बिल्कुल, दाम कोई पाखंड को नहीं। पहले चल गया आज हूँ। अच्छा, इतनी उम्र पहले चले कौन जानता। अच्छा अच्छा, पैर गोड्डे दुखे ले भाई, ताई कहने का गोड्डे ठीक हो गए, और गोड्डे तो नहीं ठीक हो जाए, खुशी हो जाए, खुशी में तो नहीं होगा, भजे भजे आओगे आदमी। आप जी कहाँ से? हम तो वैसे तो पीर तो बगड़ा है, गंगुआ से आती हूँ। गंगुआ से आते हो? हाँ, 2018 से आते हैं हम तो। 2018 से आते? हाँ, 2019 में मेरी बेटी यहाँ आए, नौकरी लगी RPF में, तो हम जब से आते ही हैं। अच्छा, खूब भगवान की दया, हमारे लिए तो शनिदेव खूब ही वे शनि देव नुका। अगर शनि की हवा जरूरी है नौकरी व्यवसाय राज्य धन प्राप्त करने के लिए, शनि एक ऐसे एकमात्र ऐसे देवता है जो अच्छे कर्म है तो अच्छे फल देगा, और जो आपके बुरे कर्म तो उसका बुरा फल भी अवश्य आपको भोगना पड़ेगा। और शनि देव की अगर आपको कृपा चाहिए तो शनि शक्ति धाम आपके आसपास में बिल्कुल ऐसा शीश वाड़ में भाई बहुत ज़बरदस्त धाम बना रखा है, जहाँ पर शनिदेव की कृपा लोगों को मिलती ही मिलती है। आप आओ, अपनी अर्जी लगाओ, और आपको सीधा सीधा आपकी शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी, और शनिदेव की कृपा से आपकी बेटी को नौकरी नौकरी मिलेगी मेरी बेटी को।
अपने मन्नत मांगी नौकरी? हाँ ना, मैं पहले फेरी लगाई भी शनि महाराज भी, मैं तो बेटी के लिए अगला शनिवार नहीं उसकी जो पेपर आ गया शनिवार की ड्यूटी ज्वाइन होगी, सारे काम शनिवार के ही हुए। शनिवार हाँ, अच्छा फड़ा पे आवे उसका फड़ा पे आवे तो अच्छा प्रसाद पांच होए कोनी उसको पहले ड्यूटी चली गई। किमी खास चढ़ावा चढ़ाया होगा अपनी तौली जो बाबा का मेहर इनका ये भंडारा बोलिया वो लगा डिमांड कौन करी ना कोई डिमांड कोनी है किसी प्रकार की कुछ ही कोनी आड़े कोई डिमांड है नहीं कोई और है नहीं। क्या कहना चाहोगे भाई धक्के खानी छोड़ दो भाई क्यों धक्के खाओ अपने शनि देव मंदिर पर आओ माथा टेको सब कुछ है सब कुछ है हाँ। सब मनोरथी भी पूरे हो जाते हैं कहीं घूमने की जरूरत नहीं भाई आप जगह जगह मत घूमो हम बार बार ये कहते हैं हम नहीं कहते जनता कहती है कि आप जगह जगह मत जाओ एक जगह अपना दिल टिका लो और शनि शक्ति धाम पे आओगे ना तो आपको सुकून महसूस हो जाएगा आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये मैं नहीं कहता है जनता कहती है पूरी जनता आप हमारे चैनल पे आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी शनि शक्ति धाम की पूरी प्लेलिस्ट आप देखें लोगों के विचार सुनें पूरा मन बनाएं आपको लगता है कि यहाँ पे आने से समस्या दूर हो सकती है तो आप जरूर आए मत ये कहूँगा एक बार आगे जरूर देखें कुछ नहीं लगता भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। राम राम जी। राम राम जी। आप कहाँ से आए हो? सीसवाड़ा गाँव से। सीसवाड़ा से आते रहते हो आप? हाँ जी आते रहते हैं। कितनी बार आ ली है? 6-7 बार आ ली। 6-7। क्या समस्या लेके आए थे आप? सिर में दर्द है जी। सिर में दर्द था? हाँ झाड़ा गलवाए उनसे ठीक है। तो गोली गालियां तो आराम हो जाएगा? कोनी आया ना जी गोलियां कोनी आराम होया जी। तीन और डाल का तकड़ा दर्द था? बहुत ज्यादा दर्द है जी और 2-3 गेड़े हो गए झाड़ा लगवा के जाते हैं और जब से फर्क है जी 1 महीना हो गया। ई जमा दुखदायक उनके? ना जी कौन दुखाई झाड़ा लगवाए दर्द गायब छो मंत्र चुरलू मुरलू संतरू सब गए हैं। हाँ जी हमारा भगवान ही ऐसे अच्छा है जी शनि देव कृपा से जी ऐसी कृपा हमें सभी पर बनाए रखे भगवान। तो अब दर्द बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। किसी प्रकार का यहाँ पे कोई ये तो नहीं ले भाई यहाँ पे फीस लगी हो कोई टोकन लगा हो ऐसा? नहीं जी कोई फीस नहीं है यहाँ पे कोई रिश्वत नहीं है अपनी मर्जी से झाड़े लगाते हैं। किसी प्रकार का पाखंड लगा हो? ना जी कोई पाखंड नहीं है जी यहाँ पर। हाँ भगवान की लोग भाई नुकांगे चलते ना मेहंदीपुर ले चलूं चलते ना बालाजी ले चलूं चलते हरिद्वार शंकर कटाया को नुका काला नाडी ले चलूं मतलब बहुत जगह भाई आपको जो ठगने का पूरा इंतजाम किया जाता है पूरा एक गिरोह मान लो एक पूरा सर्कल होता है आपके चारों तरफ ऐसा घुमा दिया जाता है कि आपको सोचने समझने की जो फुर्सत भी नहीं लगती और आपकी जेब से पैसे निकाल ली जाते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप तो आप जो दर्शक देख रहे हैं क्या कहना चाहोगे इस धाम के बारे में दोस्तों? हम तो यही कहने चाहोगे जी शनि मंदिर में भगवान की दया से बहुत शक्ति है और सभी लोग यहाँ आए मनोकामना सभी पूर्ण। सच्चा धाम है? सच्चा धाम है जी बिल्कुल सच्चा धाम है। हाँ जी चमत्कार कई वर्षों से है जी चमत्कार भी है यहाँ पे। हाँ जी जी नाम क्या आपका? माया देवी है जी। माया देवी। हाँ आप शनि शक्ति धाम पे वीरवार मंगलवार और रविवार को अगर आएंगे तो आप पूछा करवा सकते हैं। शनिवार का दिन विशेष रूप से झाड़े का लगता है उस दिन पूछा नहीं की जाती उस दिन आने वाले श्रद्धालुओं को सिर्फ और सिर्फ झाड़ा लगाया जाता है। पूर्णिमा के दिन विशेष अर्जी लगती है और उस अर्जी लगाने से आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसी दिन आपको जो है एक तावीज़ दिया जाता फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता जिससे आपके सब समस्त प्रकार की मनोकामनाएँ जो पूर्ण होती हैं तो आप निस्संकोच शनि शक्ति धाम पर आ सकते हैं। आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है आपके किसी प्रकार का प्रश्न है शनि शक्ति धाम से संबंधित तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। वीडियो को थोड़ा शेयर करें लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं जन जन तक इसलिए पहुंचाएं कि हो सकता है आपके इस वीडियो को शेयर करने से उन लोगों तक वीडियो पहुंच जाए जिनको वाकई में जरूरत है जो दुखी है इंसान है अगर उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ पे आने से होता है आपके द्वारा शेयर की गई वीडियो से तो भाई आपको भी इसका पुण्य का लाभ मिलेगा। चैनल पर अगर नए आए हो आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट में जय श्री राम जय श्री देव जरूर लिखे ताकि आपका भी भला हो जाए आपका भी मनोरथ शनि देव घर बैठे पूरे कर दें। तो सभी दोस्तों को शनि शक्ति धाम से मैं सभी दोस्तों से लेता विदा सभी दोस्तों को नमस्कार देखते रहें लोक प्रसार।